ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन, क्योंकि कल है गुरुवार की प्रदोष और ये वीडियो है माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको करनी होगी। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं किसी विश को लेके, किसी इच्छा को लेके, किसी काम को लेके और वो आपका काम नहीं हो रहा है ना, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, वो सारा काम आपका पूरा ज़रूर होगा, क्योंकि माता अशोक सुंदरी आपके सारे काम को पूरा ज़रूर करेंगी, है ना। कैसे करना है इस पूरे उपाय को, उससे पहले छोटा सा काम कर दो, वीडियो को कर दो लाइक, और आपके भाई का चैनल है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। देखो इस उपाय को, अभी कल की कथा जो गुरुजी की चल रही है ना वहाँ पे भोपाल में, उसी कथा में गुरुजी ने बताया, कल ही बताया रिसेंट में, तो मुझे लगा आप सबको याद दिला दूँ। आपको क्या करना होगा, इस तरीके से लेना होगा चावल के दाने। कितने दाने लोगे, मात्र एक चावल का दाना लेना, और वो चावल का दाना अक्षत होना चाहिए, यानी कहीं से टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो एक चावल का दाना लिया। अब उसके बाद क्या लेना होगा, इस तरीके से तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे कहाँ से, मैंने बहुत बार बता रखा है। अब जल इस लोटे में भरना कहाँ पे है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में करना, ठीक है। ले लिए कलश में जल, उसके बाद लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। अब देखो आप सबको पता है कि महादेव का जो पूरा परिवार है ना, वो शिवलिंग पे ही विराजमान है। अरे पता है ना, तो हमको ये भी पता होगा जो महादेव की सबसे छोटी वाली पुत्री है जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनका भी स्थान यहीं पे है। ये जो मोटी वाली लाइन आपको दिख रही जलाधारी पे, यही होती है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो जो आपके पास में एक चावल का दाना है ना, उस एक चावल के दाने को आपको यहीं पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही आपको समर्पित करना होगा। जब आप समर्पित करें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जरूर करिएगा, ठीक है। चावल का दाना समर्पित कर दिया, उसके बाद फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। बाकी जो कुछ भी पूजन पाठ करनी हो, महादेव को समर्पित करना हो, आप कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जल बहता हुआ यही चावल के दाने से नीचे से, जलाधारी से नीचे आएगा। अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में इस जल को लेना और अपने दोनों आँखों पर लगा करके अपनी मनोकामना कह देना, सारी विशेष सारी इच्छाएँ पूरी जरूर होंगी, है ना। देखो माता अशोक सुंदरी की जगह पर जब भी हम कोई उपाय करते हैं ना, एक पर्पज होता है कि महादेव से ये डायरेक्ट कोई ना कोई बात कहेंगी। देखो जब घर की कोई छोटी, इस बात को कई बार बता चुका हूँ, जब घर की कोई छोटी सी पुत्री जा करके अपने पिता से किसी बात को कहती है, तो उनके पिता और किसी की बात माने ना माने, लेकिन घर के जो सबसे छोटा सदस्य होता है ना, खासकर पुत्री जो सबसे छोटी होती है, उसकी बात ज़रूर मानते हैं। तो महादेव आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। बात आई क्या समझ में। चलो यहीं पर एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दे रहा हूँ, उस चीज़ को भी ध्यान से समझ लो, है ना। काफ़ी लोग, बहुत ज़्यादा घरों में ऐसा देखा गया कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, कि मतलब अगर एक बार किसी ने कह दिया तो कोई बर्दाश्त करने के लिए नहीं है, कोई मतलब लड़ाइयाँ करेंगे ही करेंगे, कुछ भी हो जाए दबना नहीं किसी को, एटीट्यूड रहेगा, है ना। बहुत घर में ऐसा होता है। क्या करना होगा, एक नियम बना लो। नियम क्या होगा, एक लोटा जल भरा और इस जल मतलब इस कलश में जल भरा करो, अपने घर से लेके पहुँच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास। एक नियम बना लो कि मैं आज से इस नियम को फॉलो कर रही हूँ, जब भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओ, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, बस एक नाम लेना होगा महादेव का, आशुतोष महादेव। कौन से महादेव, आशुतोष महादेव के नाम से आप जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो। आपके बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा, कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कभी भी आपसी मतभेद नहीं होगा, हमेशा आपके घर में यूनिटी रहेगी, एकता रहेगी, प्रेम सद्भावना बनी रहेगी, इतनी ताकत होती है आशुतोष महादेव के नाम में। तो आज से ही नियम बना लो कि हमें आशुतोष महादेव के नाम से जल समर्पित करना है, अगर हमें अपने रिश्तों को मजबूत रखना है तो, ठीक है। बस एक छोटी सी जानकारी मुझे लगा आप सबको ज़रूर बतानी चाहिए। तो कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत अच्छा समझाया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ अगर फ़ोन पर बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।